अस्सलामु अलैकुम बच्चों, जनाब बाबू भाई, सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 3, विषय हिंदी, अभिनव हिंदी प्रवेशिका, जिसमें हमारा विषयांग है वर्णमाला व्यंजन। वर्णमाला व्यंजन में आज हम ख क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। जैसे कि ख से खरगोश, बच्चों हिंदी में ख इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है, इस तरह से आपको भी लिखना है। ख से खरगोश, यहाँ पर ख से खरगोश, ख यहाँ हमें लिखना है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, आपको लिखना है ख से खरगोश। खरगोश मतलब क्या, ससलू। गुजराती में उसे क्या बोलेंगे, ससलू बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे खरगोश। आगे देखेंगे, ख ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, ख सोजी तेना ऊपर गोल बनाओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, ख ढूंढना है और उस पर हमें गोल बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है ख से खरगोश। उसके अलावा हमें कोई भी वर्ण पर ख नहीं, गोल नहीं बनाना है, सिर्फ कहाँ बनाना है, जहाँ पर हमें ख से खरगोश दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर ख है, यहाँ ख है, यहाँ ख, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर गोल बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। पढ़ो वांचो, क्या पढ़ना है, ख से खरगोश। बच्चों मेरे साथ आप भी पढ़ो, क्या पढ़ना है, ख से खरगोश। यहाँ पर क्या करना है, हमें रंग भरो, रंग पूरो। यहाँ ख दिया है, इसमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। आप अपनी पसंद का रंग यहाँ पर भर सकते हो। आगे देखेंगे, बिंदुओं को मिलाओ, तबकाने जोड़ो। गुजराती में भी दिया है, हिंदी में सूचना है और उसके बाद गुजराती। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, कि जो बिंदु है उसे हमें मिलाना है। बिंदुओं को मिलाकर हमें कौन सा वर्ण बनाना है, बिंदुओं को मिलाकर हमें ख वर्ण बनाना है। जैसे कि ये बिंदुओं को मिलाया हुआ है, इसी तरह आपको भी पेंसिल से इस वर्ण को लिखना है। आगे देखेंगे, पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। ख से खरगोश, बच्चों मेरे साथ आप भी पढ़ो, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। अब आपको इसी तरह यहाँ पर ख दिया हुआ है, ये देखकर आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको ख क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर बिंदु दिए हैं, उस बिंदु को जोड़कर, यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं बच्चों, उस बिंदुओं को जोड़कर देखो बच्चों, ख लिखा हुआ है, इसी तरह आपको भी लिखना है, ख से खरगोश। आगे देखेंगे, ख को ख से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। ख ने ख थी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। तो बच्चों यहाँ पर हमें बीच में सर्कल बनाया हुआ है, गोल जैसा, यहाँ पर गोल दिखाई दे रहा है, वो बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, ख को ख से शुरू होने वाले चित्र। तो जैसे कि यहाँ पर सब चित्र दिए हैं, देखो बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको चित्र, ये चित्र को हमें क्या करना है, ख से जो शुरू होते हैं उस चित्र के साथ हमें रेखा बनाकर जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा बनी हुई है, उसी तरह आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर रेखा बनानी है और उसे जोड़ना है। जैसे कि ख से खटिया, क्या हुआ, ख से खटिया। कहाँ आया ख, यहाँ पर ख आ गया, पहले वर्ण को हम क्या बोलेंगे, ख बोलेंगे। तो ख के साथ हमें कौन सा, ख को चित्र के साथ जोड़ना है। आगे है गणपति, इसमें ख नहीं है।
ख से शुरू होने वाला चित्र कौन सा है? खंभा। क्या है? खंभा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रेखा को जोड़नी है ख से शुरू होने वाले चित्र के साथ। आगे है कलश, कलश में ख नहीं है। आगे क्या है? खपरेल। तो आपको ख से शुरू होने वाला ये चित्र, मतलब खपरेल का चित्र दिया है, उसको आपको उसके साथ जोड़ना है। खरगोश। देखो बच्चों, ख से खरगोश, तो हमें ख को चित्र के साथ जोड़ना है। आगे है गधा, उसमें ख नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे। जहाँ पर भी ख आएगा जिस चित्र के अंदर, उसी चित्र को हम उसके साथ जोड़ेंगे। समझ में आया बच्चों? इसी तरह आपको भी करना है। आगे देखते हैं, ख के नीचे रेखा खींचो, ख ने नीचे लिटी करो। बच्चों यहाँ पर आपको ख के नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया है, बतख। क्या दिया है? बतख, ब त ख। समझ में आया बच्चों? तो आपको कहाँ पर रेखा खींचनी है? ख के नीचे। ओखली, जहाँ पर ख आएगा उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। चखना, यहाँ पर ख है, बीच में क्या दिया है? ख वर्ण दिया है, तो हमें उसके नीचे रेखा खींचनी है। खटिया, क्या है? खटिया, खटिया में पहला ही वर्ण ख है, तो हमें ख के नीचे रेखा खींचनी है। अभी आगे देखेंगे खत, क्या दिया है? खत, तो खत में ख जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमें क्या करना है? रेखा खींचनी है। लिखना, क्या है? लिखना, तो ख के नीचे हमें रेखा खींचनी है। आगे देखेंगे, ख से अलग वर्ण पर गलत करो, ख थी जुदा अक्षर पर खोटू करो। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ख के ऊपर नहीं गलत की निशानी करनी है, उससे अलग वर्ण, मतलब जो मूलाक्षर हमें दिए हुए हैं, जो वर्ण दिए हैं, उस वर्ण के ऊपर हमें, मतलब के ख को छोड़ना है, और बाकी जो भी वर्ण आएगा उसके ऊपर हमें क्या करना है? गलत की निशानी करनी है। जैसे कि र, र के ऊपर हमें गलत की निशानी करनी है। ब के ऊपर करनी है। ख, ख के ऊपर क्या करना है? नहीं, क्योंकि अलग वर्ण पर करनी है, तो ये ख है इसलिए हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, क पर करेंगे। इसी तरह आगे सभी वर्ण पर हमें प के ऊपर करनी है, च के ऊपर करनी है, ख छोड़ देना है, ख के ऊपर नहीं करनी। इसी तरह जहाँ जहाँ भी ख आएगा उसे छोड़ना है, और बाकी जो वर्ण है उसके ऊपर हमें गलत की निशानी करनी है। पढ़ो और लिखो, पांचो अने लखो। तो बच्चों हमें क्या करना है? पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो क्या पढ़ना है? देखो यहाँ चित्र भी दिया है बच्चों। किस चीज़ का चित्र है? खटिया है, नीचे नाम दिया हुआ है, खटिया। क्या नाम है? खटिया। तो हमें ये पढ़ना है और ख यहाँ पर हमें लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको भी यहाँ पर ख लिखना है। खटिया, क्या है? ख से खटिया। ख से क्या है? ख से खरबूजा। क्या दिया है? खरबूजा। ख से खरबूजा, ख से खरबूजा। आगे देखेंगे, ख से खरल, ख से खरल, ख से खरल। आगे देखेंगे चित्र है, क्या, कौन सा चित्र है बच्चों? खत। क्या है ये? ये खत है। तो बच्चों हमें क्या पढ़ना है? खत, ख से खत, ख से खत। आगे देखेंगे, शब्द में से ख ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, शब्द में से ख शोधी ने तेना ऊपर गोल बनाओ। तो बच्चों हमें शब्द दिए है, खजाना। क्या दिया है? पहला शब्द है खजाना, तो ख कहाँ पर है? यहाँ पर, आपकी पाठ्य पुस्तक में ये दिया हुआ है। आपको दूसरा शब्द देखना है खत, वहाँ पर आपको गोल की निशानी करनी है जहाँ पर ख आएगा। क्या आएगा? ख से खरगोश का जो ख है, जो ख वर्ण है, वहाँ पर हमें गोल की, मतलब गोल बनाना है। आगे का शब्द है लिखना, क्या है? लिखना, ख कहाँ पर है? बीच में है, तो हमें वहाँ पर ख बनाना है। आगे का शब्द है खबर,
क्या है? खबर। तो खबर में हमें ख के ऊपर गोल बनाना है। समझ में आया बच्चों? आपको भी आपकी अभिनव हिंदी प्रवेशिका पुस्तक के अंदर ये लिखना है, स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। अल्लाह हाफिज़।